हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक नया फार्मूला आप दोस्तों के लिए लेके आया हूँ। ये एलईडी है 17 इंच की, इसका पैनल वाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये पैनल इसका वाइट हो गया, मैंने ऑलरेडी इसको खोल के रखी है। ये देखो मेरे पास इसके पैनल के ऑलरेडी बोल कटे हुए, वो भी बड़े हुए हैं। तो मैं ये टिक भाइयों से शेयर करता हूँ, ये बहुत बड़े काम की है। ठीक है दोस्तों, तो पहले सबको सबसे पहले मैं इसको आपको बोर्ड चेक करा देता हूँ, इसमें फॉल्ट क्या है, उसके बाद मैं फॉल्ट निकालता हूँ, फिर बताता हूँ भाई फॉल्ट कैसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो गौर से देखो, समझ आ जाएगी। और ये थोड़ी बहुत जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं भाइयों से शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत बड़ी टिक होगी। ऑलरेडी आजकल जो एलईडी पैनल 17 के 19 के 22 के जो चल रहे हैं उसमें पैनल रिपेयर कर सकते हो, वाइट पैनल भी रिपेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं पहले इसको आपको चला के चेक कराता हूँ, फिर इसको बनाते हैं। तो वीडियो पे रहना ये। तो दोस्तों इसको मैंने सप्लाई दे दी है, ये मैं हाथ में पकड़ा है, इस वजह से हाथ में पकड़ा हुआ है पैनल मैंने, तो इस वजह से दो लोग कोई दोस्त ऐसा है गलत कमेंट करते हैं, बोलता फेक वीडियो बनाता हो, तो इस वजह से मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। दोस्तों तो मैंने पावर इसमें ऑलरेडी चालू कर दिया, ठीक है, सप्लाई आ रही है इसकी, अभी इसको मैं सप्लाई से ऑन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ऑन हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये ऑन हो गई, AVDS केबल लगी हुई है, आप देख सकते हो ये AVDS केबल लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये वाइट आ रहा है, बिल्कुल पैनल बिल्कुल वाइट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एक मरतबा आप चेक कर लो, ये देखो AVDS केबल मैं आपको इजी तरीके से दिखा देता हूँ। असल में ये मोबाइल से पकड़ता हूँ तो ये सही खुला हुआ है सारा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो AVDS केबल लगी हुई है और इसकी सप्लाई बत्ती भी वर्क कर रही है, ब्लास्टर लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वाइट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी रिपेयर करता हूँ और क्या क्या इसमें फॉल्ट निकलता है सारे भाइयों से शेयर करता हूँ। ये तो दोस्तों सबसे पहले अपन को इसके सप्लाई लगा के, ठीक है, इसको ऑन करके वोल्ट चेक करने होंगे, ताकि इसमें प्रॉपर वोल्ट आ रहे हैं, वोल्ट में कहीं मसला हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ऑन कर दी इसकी, अब इसको चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मीटर मैंने रख लिया, ये रखेंगे माइनस पे, यहाँ ये पैनल 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट आएंगे, 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक फ्यूज लगा होता है ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये वाला फ्यूज लगा होता है इसमें, ये चेक करेंगे फ्यूज़ भी सही है, ये वाला भी फ्यूज़ है, ये भी चेक करेंगे, ये भी फ्यूज सही है। ठीक है दोस्तों, ये 3.3 है, ये भी बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये है कि ये भी 5 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें अमूमन ये DC 12 वोल्ट पर शार्ट हो जाती है पैनल, तो इसमें ये IC हीट हो रही है ये वाली। ठीक है दोस्तों, बहुत हीट हो रही है ये वाली, ये IC अपन चेंज करेंगे, रिपेयर करें इसको, दूसरे किसी टिकॉन बोर्ड से निकाल के लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऑलरेडी मेरे पास ये बहुत पड़े हुए हैं ये वाले। ठीक है, ये मैं स्क्रैप बोर्ड से निकाल के रखता हूँ पैनल से, ये काम आ जाते हैं दोस्तों, ये अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो स्क्रैप से ये निकाल के रखो, आपके काम आ जाएंगे पैनल बनाने के लिए। ये स्क्रैप बेचने का नहीं होता है दोस्तों, ये आप संभाल के रखो तो आपको काम आ जाएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी देखो ये दोस्तों में ये लगी हुई है, मैं निकाल रहा था पर फिर मेरे दोस्तों से इसमें से निकाल के इसमें लगाएंगे, ये अपना पैनल रेडी हो जाएगा। तो अभी लगाएंगे इसमें IC निकाल के, तो वीडियो पे रहना, पैनल रेडी होता है नहीं होता है वो सारों भाइयों से शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये IC मैंने रिमूव कर दी है, अभी इसमें दूसरे बोर्ड से मैं निकाल के इसमें लगाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसकी ये वाली IC ख़राब थी, अभी मैंने दूसरे बोर्ड से निकाल के लगाई है। ठीक है दोस्तों, ये इस बोर्ड से मैंने उतार के लगाई है, ये तो ये ऐसा बोर्ड संभाल के रखना। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, ऐसे बोर्ड स्क्रैप, ये पैनल अगर आपके पास ख़राब निकलते हैं तो जिसका टूट जाता है कोई पैनल ऐसा ऐसा ख़राब निकलता है तो उसमें पार्ट सही होते हैं, ये सब पार्ट संभाल के रखने। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने मैंने इस पर लगा लिया अभी इसकी IC, अभी इसको मैं करके सीधा चेक करते हैं कि रेडी हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास पैनल टूटा हुआ था, मैंने बोला इसमें टचिंग ना हो इस वजह से, तो मैंने इसको नीचे रखा था, अभी इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैं प्रैक्टिकली इस वजह से, थोड़ी असल में मोबाइल से बनाने में थोड़ा मसला होता है, तो कैमरा होती थोड़ी दूर होती है,
इस वजह से तो मैं मोबाइल तो बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी संतोष पानी बोतल। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें आईसी मैंने लगा ली। ठीक है दोस्तों, और इसकी ऑलरेडी मैंने बोर्ड नीचे रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये वाली ये इसकी आईसी ख़राब थी, तो अभी इसमें मैंने दूसरी लगाई है पैनल में। ठीक है दोस्तों, एक मतलब आपको फिर दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वाली इसकी आईसी ख़राब थी, तो ये मैंने चेंज की है। तो अभी इसको देखते हैं चालू होता है या नहीं होता है, आपके सामने चेक करते हैं इसको। सबसे पहले इसको यार लगाता हूँ सप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सप्लाई लगा दी। ठीक है, अभी इसको करते हैं चालू, इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा अपना पैनल। यहाँ दोस्तों, ये अपना पैनल बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपन पैनल बना सकते हैं इसके। तो आपके पास अगर इसके पड़ा हुआ ऐसा, ठीक है दोस्तों, जैसे मेरे पास ऑलरेडी बहुत पड़े हुए हैं, ये पैनल आपको संभालने रखे, जो अगर टूट फूट में आते हैं पैनल, तो वो इसके इसमें से ये सर्किल उतार के रखो, आपको काम आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी बहुत पड़े हुए हैं, ये तो मेरे कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं, मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। तो ये इसमें अगर कोई पैनल कोई वोल्ट नहीं बनाता, इसका VGH VGL वोल्ट नहीं आता, तो कनेक्शन करके भी ये सर्किट अपन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये पैनल संभाल के रखना, और इंशाल्लाह हमारा यूट्यूब पेज सब्सक्राइब रखना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो मैं आप दोस्तों के लिए लेके आता हूँ, तो वो आप भाइयों को सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और दोस्तों से शेयर करना। ठीक है दोस्तों, मेहनत तो बहुत की है, लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके अल्लाह हाफिज़। अभी इसको करते हैं फिट। मैंने डब्बे से इसके बाडी से खोला था, असल में जगह थी कम, इस वजह से मैंने मतलब सारे टपड़ खोल के रखे थे टेबल पर। अभी इसको करते हैं फिट, ये हो गया रेडी। अभी कस्टमर भी बैठा हुआ है, मैं फिट करके देता हूँ उसको। और लाइक तो लाजमी करना, और दोस्तों से भी शेयर करना। अगर पेज पे नए आए तो सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक यू, ओके अल्लाह हाफिज़।